नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। आज जून से देश में सभी धर्म स्थान खुल जाएंगे। धर्म स्थान खोलने को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन के कलेक्टर सभागार में सभी धर्म के गुरु के साथ बैठक की और केंद्र के प्रसाद सरकार के गाइडलाइन की जानकारी दी। बैठक में सभी धर्मों और धर्मगुरु ने जिला प्रशासन का आह्वान किया है वे सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करेंगे और पारण करवाएंगे। अयोध्या के इससे पूर्व वे मंदिर के गेट पर रखे सैनिटाइजर से खुद को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इस दौरान उनके चेहरे पर मास्क अनिवार्य होगा। यही नहीं, श्रद्धालुओं को अपना बेल्ट व पर्स बाहर ही रख कर मंदिर में प्रवेश करना होगा। पुजारी राजू दास ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर छूना मना है। राजू दास ने बताया कि बाल वृद्धों को रोगियों व मंदिर में प्रवेश करने नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को मंदिर के बाहर दूर से ही भगवान के दर्शन करने होंगे। उन्हें बताया कि जिन्हें कोई भी बीमारी है तो वह मंदिर में दर्शन करने के लिए ना आए, अगर जरूरी समझते हैं तो मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन करके। खैर, इमाम शमसुल कादरी ने कहा है कि जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार ही सभी मस्जिदों में प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह से चर्चा और गुरुदेव। अयोध्या से हमारे संवाददाता सुमनी सोनकर की रिपोर्ट है। इससे निष्कर्ष यह निकल के आया है कि हम लोग सक्रियता से और इतना दिनों बाद मंदिर खुल रहा है तो भक्तों को दर्शन सुरक्षित सुनिश्चित कराएं और खुद सुरक्षित रहें। इस निकला है कि हम लोग जो भी भक्त दर्शन पूजन करने आएंगे वो सैनिटाइज की व्यवस्था रखेंगे और सब लोग दूरी बना के चलेंगे और मंदिर परिसर में जो एंट्री हो वो 4 से 5 लोग की ही एंट्री हो, वो दर्शन करके आगे बढ़ जाएँ। अधिकतर कोशिश रहेगा कि एक दूसरे से टच ना हो, चाहे पुजारी टच ना करे, भक्त भगवान को टच ना करे। ऐसी व्यवस्था, ऐसी योजना हम लोगों ने बनाई है, इस पे हम लोग कल अमल करेंगे और कामना करेंगे कि कोरोना महामारी समाप्त हो और भक्त आनंद पूर्वक दर्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसी योजना, ऐसी रचना आज बनी। कोरोना वायरस से अब तक हम लोग हुकूमत के आदेश के अनुसार और गाइडलाइन के मुताबिक काम करते आ रहे हैं और आइंदा भी वो सब कुछ करते रहेंगे जो इंसानी सेहत के लिए बेहतर से बेहतर हो सकता है। और जाहिर सी बात है, सेहत का ख्याल रखना और जान बचाना ये ज़रूरी है। इस सिलसिले में जो भी कोशिश बन पड़ेगी हम करेंगे और मुसलमानों से करने की अपील भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।